राधोगढ़ स्टेट बैंक के पास राजगढ़ लोकसभा उम्मीदवार मोना सुस्तानी के पक्ष में कांग्रेस द्वारा विशाल सभा का आयोजन किया गया। मंत्री जयवर्धन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के लोग जोर जोर से कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, पर वह कब आएंगे भाजपा वाले बात तक नहीं करते। अब चौकीदार पर आ गए हैं जो ज्यादा बातें करते हैं, उनसे पूछना अंग्रेजों को किसने भगाया, कांग्रेस ने भगाया। पर पूरे देश की निगाह भोपाल लोकसभा चुनाव पर है। पहले राधोगढ़ की एक छोटी सी नगर पालिका में अध्यक्ष रहे हैं राजा साहब, वहीं दिग्विजय सिंह से बढ़कर कोई भी हिंदू नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि 3500 किलोमीटर की पदयात्रा और नर्मदा परिक्रमा भी उन्होंने की है। वहीं भोपाल में भाजपा की उम्मीदा प्रज्ञा ठाकुर शहीद हेमंत करकरे के बारे में जो कहा है कि श्राप से मारा गया, उस पर भी छूटी कसी। वहीं जयवर्धन सिंह ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी तो प्रत्येक पंचायत में गौशाला बनाई जाएगी, जिससे शासन 5 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की मदद दी जाएगी। राजगढ़ लोकसभा प्रत्याशी मोना सुस्तानी ने कहा कि मेरा तो नाम मात्र का चेहरा है, चुनाव तो बड़े राजा साहब ही लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजगढ़ लोकसभा में मोना सुस्तानी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि दिग्विजय सिंह खुद लड़ रहे हैं। साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि यहां चुनाव दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह और लक्ष्मण सिंह लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी 2014 में आए और कहा कि 25,000 करोड़ काला धन, प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा, वह अभी तक नहीं आया। अगर झूठ बोलने का कंपटीशन कराया जाए, मोदी ही सबसे बड़े झूठे निकलेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मेरी समझ में नहीं आया है कि ऐसा झूठा व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया। मुझे जरूर पूछना कि जब अंग्रेज इस देश में थे तो अंग्रेजों को किसने भगाया इस देश से, किसने भगाया अंग्रेजों को इस देश से? आप सबकी कांग्रेस पार्टी ने भगाया। सन 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किसने किए थे? इंदिरा गांधी ने किए थे, कांग्रेस पार्टी ने किए थे। आप सब जानते हैं कि इस बार पूरे देश की नजर भोपाल लोकसभा सीट पर है, क्योंकि हमारे राजा साहब पहली बार, एक बात याद रखो, लगभग 50 साल पहले एक छोटे से रावण शहर के नगर पालिका अध्यक्ष राजा साहब बने थे, और आज 50 साल बाद वो पहली बार ऐसा चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर हम उनके लिए वोट तो नहीं कर सकते लेकिन सिफारिश कर सकते हैं। और इस बार जो प्रत्याशी भाजपा से इस बार राजा साहब के सामने खड़ी है, आप सबने देखा होगा टीवी पर, पढ़ा होगा अखबारों में कि चुनाव में टिकट मिलने के एक दिन बाद भाजपा की प्रत्याशी का क्या बयान था, क्या कहा था उनने एक शहीद पुलिस अफसर के बारे में, हेमंत करकरे जी जो मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे, जिनको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा था, उन पर भाजपा की प्रत्याशी कहती है कि उसने श्राप दिया इसलिए मृत्यु हुई। क्या यह सही बात है? मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या जो भाजपा के लोग भ्रमित करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं राष्ट्रवाद के बारे में, ये उनकी असलियत है? आप सोचो, एक शहीद पुलिस अफसर, उन पर भाजपा के लोग श्राप देते हैं। हमें अगर एक सबक सिखाना है तो 12 तारीख को पूरे देश में ऐसा मत होना चाहिए, जहां जहां वोटिंग है ऐसे वोट पंजे में डालो कि भविष्य के अगले 100 सालों में किसी प्रत्याशी की हिम्मत नहीं होगी हमारे शहीदों का अपमान करने में। और मैं एक बात तो बता देता हूं, 23 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। जा रहा है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, बाकी बाबा साहब तो आपका काम कर ही रहे हैं, और ये भी मुझे जो कागज पकड़ा देते उस पर दस्तखत कर देता हूं। इसलिए ठीक है, भाजपा के लोग तुम्हारा कर्जा माफ करा देंगे, केवल झूठ बोलते हैं, कर्जा माफ हम कराएंगे। बिजली माफ मैंने कराई थी, मेरे 10 साल के कार्यकाल में गरीबों को मुफ्त में बिजली दी थी कि नहीं दी थी बोलो, किसानों को 5 हॉर्सपावर की बिजली मुफ्त में दी थी कि नहीं दी थी? तो कांग्रेस ही करेगी, भाजपा ने तो लूटा है 1,000। अभी देख रहा था मैं, पुराना कोई बिल बता रहा था कि 44,000 का बिल आ गया,
ये बिल को ठीक कर। मोदी जी 2014 में 5 साल पहले बड़ी बड़ी डींग हाँकते हुए आए, 25 लाख करोड़ काला धन आ जाएगा, आया बाबा जी का ठिल्लू। और 15 लाख हर खाते में जमा हो जाएंगे, जमा हुआ बाबा जी का ठिल्लू। सारे झूठ झूठ, इतना झूठ बोलता है ये कि इसमें अगर कहीं झूठ बोलने का वो कंपटीशन हो तो उसमें मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता, इसको वही सबको हरा देगा। मैं कई बार सोचता हूं कि इतना झूठ बोलने वाला आदमी प्रधानमंत्री कैसे बन गया। चौकीदारों को ही बदनाम कर दिया, कहेगा चौकीदार। चौकीदार कोई क्या 15 लाख का सूट पहनता है? ये तो ठग है, ठग मास्टर, ठग सबको ठग रहा है। और ऐसी दुर्गति पुराने भाजपा के नेताओं की, ऐसी दुर्गति कर रहा है कि भला आदमी पता नहीं उनके दिल पे क्या बीतता होगा। आडवाणी जी जिन्होंने की उसे मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बचा लिया, अटल जी हटाना चाहते थे उनको, उनकी तरफ तो आजकल देखता तक नहीं भला आदमी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, विद्वान प्रोफेसर, जिनको जो कि जनसंघ जब से बना तब से उसके सदस्य, जिनके जाके पैर छूते था मोदी। रावगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर कमलेश सैनी की रिपोर्ट।